योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इसमें स्वाति सिंह कथित तौर पर एक शख्स से बात कर रही हैं, जिसे शिकायत करते हुए सुना जा रहा है कि उनके पति दयाशंकर सिंह ने उसके साथ बदसलूकी की है। बातचीत के दौरान स्वाति कथित तौर पर उनके पति दयाशंकर सिंह पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप लगा रही हैं। वो कहती हैं कि उनका पति दयाशंकर सिंह उनके साथ मारपीट करता है। इस बीच ऑडियो क्लिप के संबंध में स्वाति सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हालांकि जेएमडी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपने मुझे कोई लेटर भेजा है? हाँ, क्या? मैंने एक पत्र लिखा है आपको, ताकि आपके संज्ञान में तथ्य रहे। तो मेरे को ये चीजें पता भी नहीं थी। मुझे पूरी आशा थी आपको नहीं पता होंगी कि 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तब भी मैंने आपके किसी हितैषी से आपको कहलाया था, तो उन्होंने कहा था उस समय आपके संबंध ऐसे नहीं थे कि आप कुछ कर सके उसमें। और अब की, क्योंकि मुझे पूरी आशा थी आपको, आपको आपके संज्ञान में से नहीं हो रहा होगा, और यहाँ तांडव हो रहा है 10 दिन 15 दिन से, देखिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना वजह इसको कोई राजनीतिक रंग दिया जाए किसी वजह से, इसलिए मैंने आपके लेटर में आपका कोई नाम मतलब कोई नंबर वंबर कुछ था ही नहीं। और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं नंबर आपका कहाँ से लूँ। फिर संजय भैया से मैंने आपका नंबर मांगा, क्योंकि संजय भैया एक बार काफी पहले ये सब बात मुझसे भैया ने बोला था। जी जी। मैंने कहा मैं संजय भैया से नंबर लेती हूँ। जी। तो अभी इसमें एक्चुअली इशू क्या है, मतलब मकान इन लोगों ने खरीद लिया है? देखिए, इशू ये है कि एक मकान में एक वकील साहब रह रहे थे जिस फ्लैट में, उन्होंने 15 साल से इसका कोई मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दिया था, कई लाख रुपए उनके ऊपर बकाया था। नहीं तो उनको आपने बेच दिया था? उनको मैंने जो डीड लिखी थी उसमें उनको रहने का अधिकार था, बेचने का अधिकार उनको नहीं मिल पाया था, उन्हीं की मूर्खता से नहीं मिला था, लेकिन उनको बेचने का अधिकार नहीं था उस फ्लैट को। अच्छा। उनको सिर्फ रहने का अधिकार था। हाँ। तो उन्होंने इनको बेच दिया। इसके बाद ये दयाशंकर मेरे पास आए। हाँ। और इन्होंने आके जिस भाषा में उससे बात की वो मतलब 5 साल पहले की बात है, मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी, जी, उस वक्त हाँ। दो लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो मैंने जिस भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोट की भाषा थी, और मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए वो। इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ, उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। इसके बाद दो तीन कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या, चार्जशीट वगैरह? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे पेपर्स चाहिए होंगे। देखिए क्या है, मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं। जी, चीजें बहुत खराब है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की। देखिए, मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक करियर शुरू किया है। देखिए, इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ आपका साहस था, आपकी गरिमा थी कि आपने अपने लिए एक स्थान समाज में बना लिया है। और देखिए, अगर ये बात बढ़ेगी तो लोग, आप ये जानते हैं कि पत्रकारों को, मीडिया को, चैनल को ये सब बड़ा मसालेदार मसाला लगने लगता है। नहीं देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप। देखिए, मैं नहीं जानता, लेकिन जो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो ठीक है, मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ, और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेस को मैं झेल रही हूँ। जी, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके कर रहे, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना। तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।